एक राइवलरी जिसकी शुरुआत हुई दोस्ती से, ऐसी दोस्ती जो आज भी कायम है। 3 दशक पहले क्रिकेट खेलने वाला ये देश फिर से उभरा और सामने आए नए हीरोज। इस राइवलरी में था इनक्रेडिबल फील्डिंग का टच। इसी राइवलरी से निकला था एक सुपरस्टार और एक सुपरमैन, एक किंग जिसका कोई मुकाबला नहीं था। दो देश, अनगिनत यादें और एक विरासत जिसकी बुनियाद रखी दो लेजेंड्स ने। एक बार फिर दोनों देश आएंगे आमने सामने क्रिकेट ग्राउंड पर, और यही सही वक्त है इस राइवलरी के बेस्ट मोमेंट्स आपसे साझा करने का। स्वागत है आपका क्रिकेट काउंटडाउन के इस स्पेशल एपिसोड में, जहां हम आपके लिए पेश करने वाले हैं लिमिटेड ओवर्स में भारत और साउथ अफ्रीका की राइवलरी से निकले बेस्ट परफॉर्मेंस और मोमेंट्स। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सबसे यादगार मुकाबले देखने को मिले हैं ICC टूर्नामेंट्स में, तो चलिए उनमें से टॉप बैटिंग परफॉर्मेंस पर डालते हैं नजर। 5वें नंबर पर है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की फाइनल वर्ल्ड कप सेंचुरी। 2011 के एडिशन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ नागपुर के मैदान में सचिन ने बनाए थे शानदार 111 रन और टीम का स्कोर पहुंचाया था 296 पर। 4थे नंबर पर है हर्षल गिब्स की शानदार सेंचुरी, जब 2002 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उन्होंने बनाए थे 116 रन। हालांकि गिब्स को अपनी इनिंग्स के दौरान होना पड़ा था रिटायर्ड हर्ट, और इसके बाद टीम इंडिया को मिल गया था जीत का मौका। 3रे नंबर पर आते हैं मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स। 2011 वर्ल्ड कप में अपनी तेज तरार 52 रनों की इनिंग के साथ टीम इंडिया के 297 के टारगेट का पीछा करते हुए एबीडी की इस धमाकेदार पारी ने प्रोटियास को दिलाई थी एक थ्रिलिंग जीत। नंबर 2 पर है वो इनिंग जिसने इंडियन टीम के आज के हिटमैन यानी रोहित शर्मा को वर्ल्ड स्टेज पर ग्रैंड एंट्री दिलाई थी। रोहित ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में 40 गेंदों पर बनाए थे 50 रन और टीम इंडिया को पहुंचाया था एक फाइटिंग टोटल तक। नंबर 1 पर है वो सेंचुरी जिसने विराट कोहली को दिलाई ODI क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी। वर्ल्ड कप 2023 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में विराट के नाबाद 101 रनों ने टीम इंडिया का स्कोर पहुंचाया 326 पर। बैटर्स की कमाल के बाद अब बारी है बॉलर्स की मैजिकल स्पेल्स की, तो फिर पेश करते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत साउथ अफ्रीका मैचों से टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंस। 5वें नंबर पर है साउथ अफ्रीकी पेसर लुंगी एनगिडी, जिन्होंने 2022 T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पिच पर भारतीय टीम के खिलाफ लिए थे 4 विकेट। 4थे नंबर पर हैं भारत के लेफ्ट आर्म पेसर RP सिंह, जिनकी कमाल की बॉलिंग ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में साउथ अफ्रीका पर दिलाई थी टीम इंडिया को एक इनक्रेडिबल जीत। 3रे नंबर पर है इंडियन टीम के दिग्गज स्पिनर R Ashwin। 2014 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अश्विन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना जिसमें प्रोटियाज उलझ कर रह गए और टीम इंडिया को मिला दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेलने का मौका। 2रे नंबर पर है साउथ अफ्रीकी पेसर डेल स्टेन का पंजा, जो उन्होंने लिया था 2011 वर्ल्ड कप में नागपुर की पिच पर। स्टेन की बॉलिंग ने एक समय 300 से ज्यादा का स्कोर बनाती दिख रही टीम इंडिया को 300 के नीचे समेटने में बड़ी भूमिका निभाई थी। पहले नंबर पर है 2023 मेंस ODI वर्ल्ड कप में रविंद्र जडेजा की मैजिकल बॉलिंग। सिर्फ 33 रन देकर जडेजा ने 5 विकेट चटकाए और साउथ अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप को बिखेर कर रख दिया। ICC टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया का पलड़ा साउथ अफ्रीका पर भारी रहा है, लेकिन ये कहानी बदल जाती है जब टीम इंडिया करती है रेनबो नेशन का टूर। अब वक्त है ओल्ड परफॉर्मेंस पर नजर डालने का, जो साउथ अफ्रीकी जमीन पर खेले मैचों से निकले। शुरुआत करते हैं टॉप बैटिंग परफॉर्मेंस के साथ। क्विंटन डिकॉक ने लगाई भारत के खिलाफ अपनी पहली ODI सेंचुरी और सिर्फ 121 गेंदों में बनाए धुआंधार 135 रन। इस सेंचुरी की मदद से साउथ अफ्रीका ने खड़ा किया 358 रनों का विशाल स्कोर और फिर टीम इंडिया को 217 रनों पर ऑल आउट कर दिया। Put away beautifully by de Kock. That is a good shot. There's a bit of pace in this deck, and you can see the way that de Kock just leant on that. And he's hit it way back into the stand. Well played, young man. Wonderful innings. And as HD has said, on his home ground. Fantastic. Enjoy it.
साउथ अफ्रीका की जमीन पर रोहित शर्मा की इकलौती ओडीआई सेंचुरी आई 2018 टूर के दौरान पांचवे ओडीआई मुकाबले में। उनकी 115 रनों की इनिंग्स बनी भारत के लिए सीरीज जीतने वाली जीत की बुनियाद। Four runs. Won't get to that one. There it is. Three figures. Really well played in the end from Rohit Sharma. There's the captain. विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के यादगार दौरे का अंत किया सीरीज में अपनी तीसरी सेंचुरी के साथ। सेंचुरियन में कोहली ने सिर्फ 96 गेंदों पर बनाए नाबाद 129 रन और सीरीज में बनाए कुल 558 रन, जो एक बाइलेटरल सीरीज में किसी भी बैटर के मैक्सिमम रन है। Swept away and that's gone for four. Good shot. Straight down the ground. Down the ground. Brilliant, brilliant, brilliant. It has been an absolute delight to watch this man at his craft. He is seriously appreciated by his teammates. साउथ अफ्रीकी जमीन पर कुछ शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद अब वक्त है कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस का। तीसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीकी पेसर लुंगी एनगिडी, जिन्होंने 2021-22 टूर के दौरान वनडे सीरीज के तीसरे मैच में झटकाए कीमती 3 विकेट और साउथ अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप करने में निभाई बड़ी भूमिका। Gone high. Should be taken. And it is taken. It is the end of a fine knock. दूसरे नंबर पर हैं कुलचा जोड़ी के युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 2018 के दौरे पर दूसरे ओडीआई मुकाबले में सिर्फ 22 रन देकर चटकाए 5 विकेट। Big shout and gone. Which is cause for concern and that could be another one. Yes it is. Chahal gets through the defenses of Morne Morkel. Cover. Spotted him. Out. There it is. 5 wickets for Chahal. पहले नंबर पर हैं रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव, जिनके नाम रहे थे 2018 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट। पांचवे ओडीआई में उनके 4 विकेटों ने टीम इंडिया को दिलाई थी सीरीज में अजय बढ़त। That was the wrong and he tossed it up. Another one. Kuldeep has got deep. Into the act now, he's picked up 2 wickets. And that's up in the air. That should be taken as well. If there's not a collision, oh, it's taken. भारत का साउथ अफ्रीका दौरा शुरू होगा थोड़े दिनों बाद।